धूले जिले के शिरपुर तहसील में क्राइम ब्रांच पुलिस ने मंगलवार तड़के 3 बजे शिरपुर शहर में नाकेबंदी के दौरान संदिग्ध वाहनों की तलाशी में एक आयशर वाहन से लाखों रुपए का मादक पदार्थ भांग बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने मौके पर से एक अपराधी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पर 3 आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 11,20,000 रुपए का भांग मिनीट्रक समेत सामग्री जब्त करने में कामयाबी हासिल की है। 24 घंटे के भीतर थाना प्रभारी अधिकारी शिवाजी राव उद्वंत ने 17,58,000 रुपए के मादक पदार्थों का बरामद कर जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक पंडित ने पुलिस कर्मियों की सराहना की है। क्राइम ब्रांच थाना अधिकारी बुधवंत ने मंगलवार को बताया कि सोमवार की देर रात को पुलिस अधीक्षक चिन्मय पंडित को खुफिया सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई थी कि शिरपुर स्थित शनि मंदिर इलाके में मादक पदार्थ भांग की बिक्री करने शहर से बाहर जाने वाला है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार नाकाबंदी की गई, जिसमें करीब भांग मादक पदार्थ की तस्करी की जानी थी। पुलिस ने तत्काल कोयले के वाहन पर छापामारी कर कार्यवाही करते हुए लाखों रुपए का मादक पदार्थ जब्त किया है। एलसीबी के द्वारा दीपक कोहली पर यह चौथी दबिश दी गई है। इस कार्यवाही को पुलिस अधीक्षक चिन्मय पंडित, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजू भुजब, इनके मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर शिवाजी राव उद्वंत के नेतृत्व में पुलिस उप निरीक्षक हनुमंत उगले, हेड कांस्टेबल रफीक पठान, राहुल सानप, गौतम सपकाले, किशोर पाटिल आदि ने अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज, धुले।